जीत हो और फसल बीमा का लाभ पहले की सारी मुसीबतों से दूर कर दे, किसानों को सरलता से के लिए हर व्यवस्था को बहुत माइक्रो प्लानिंग के साथ मजबूती देने का भरपूर भरसक प्रयास किया है और व्यवस्था को हमने चाक चौबंद किया है। आदरणीय सभापति जी, पहले हमारे देश में छोटे किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड लोन पाना करीब करीब न के बराबर बहुत मुश्किल है, जबकि उनकी संख्या अभी आज हमारी नीतियों के कारण किसान क्रेडिट कार्ड के विस्तार के कारण आदरणीय सभापति हमने किसानी को एक व्यापक स्वरूप में देखा और उस व्यापक स्वरूप में हमने किसान क्रेडिट कार्ड किसान सामान्य गरीब छोटे किसान का तो उसमें नामो निशान नहीं था, जिसको सबसे जरूरत थी इसकी उनकी योजना में कोई परवाह नहीं थी और उन तक कोई लाभ पहुंच भी नहीं पाया था। लेकिन आदरणीय सभापति जी, जब किसान कल्याण हमारी सरकार के हृदय में केंद्र में हो तो नीतियां कैसी बनती है, कल्याण कैसे होता है, लाभ कैसे पहुंचता है, उसका मैं इस सदन को उदाहरण देना चाहता हूं। आदरणीय सभापति जी, हमने प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना चलाई और पीएम किसान सम्मान योजना का लाभ आई 10 करोड़ किसानों को हुआ। अनपार्लियामेंट्री प्रैक्टिस आई आज से 6 साल में इस जनरेशन ऑफ हमने प्लीज टेक योर सीट 3 लाख करोड़ रुपए टू टेक योर सीट हम किसानों को दे चुके हैं। इज अनबिकमिंग ऑफ योर कॉन्टैक्ट आदरणीय सत्य सु
सुनने की ताकत भी नहीं होती। बैठ करके इतनी चर्चा के बाद उन्होंने उठाए हुए सवालों के जवाब भी सुनने की हिम्मत नहीं है। इन्होंने ये अपर हाउस को अपमानित कर रहे हैं, इस अपर हाउस की महान परंपरा को अपमानित कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, देश की जनता ने हर प्रकार से उनको इतना पराजित कर दिया है कि अब उनके पास गली मोहल्ले में चीखने के सिवाय कुछ बचा नहीं। नारेबाजी, हो हल्ला और मैदान छोड़ के भाग जाना, यही उनके नसीब में लिखा हुआ। माननीय सदस्यगण, अत्यंत दर्दनाक, पीड़ादायक एवं मर्यादित आचरण से देखकर मैं हूं, शासन तीसरे निरंतर लगातार काल में है। 6 दशक के बाद मैंने चर्चा की और मैंने अनुरोध किया कि प्रतिपक्ष के नेता को, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो देखिए साफ तौर पर देखिए घटनास्थल पहुंचे हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, हाथरस हादसे को लेकर के बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये तस्वीरें, सीधी तस्वीर हाथरस से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ घटनास्थल पहुंचे हुए हैं और वहां पर अब तमाम चीजों को लेकर के जायजा लेते हुए नजर आएंगे। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। खबर पर जानकारी के लिए हमारे साथ लगातार ओवैस बने हुए हैं। ओवैस, सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए घटनास्थल पर और यहां पर वो साफ तौर पर जिस तरीके से अलर्टनेस बरतते हुए नजर आ रहे हैं, पहले जिला अस्पताल पहुंचे, उसके बाद अब ये देखिए तस्वीरें सामने आ रही है। बिल्कुल देखिए, ठीक सामने आपको नजर आ रहा होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच गया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बारीकी से बिल्कुल देखिए निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। और जहां पर कल पापा का प्रवचन चल रहा था वहां पर मुख्यमंत्री अभी जाने वाले हो रहे हैं और देखिए तमाम जो आला अधिकारी है वो मुख्यमंत्री के साथ है। संजय प्रसाद उनके साथ खड़े हैं, चीफ सेक्रेटरी उनके साथ है और मुख्यमंत्री जो है लगातार बिल्कुल बारीकी से खुद पूरे मामले पर निगाह बनाए हुए और सामने ठीक मुख्यमंत्री आप देखिएगा क्योंकि बारिश का मौसम है और बारिश हो रही है और मुख्यमंत्री सीधा आगे बढ़ते हुए आ रहे हैं और मुख्यमंत्री साफ तौर पर सीधा घटनास्थल पर जाएंगे क्योंकि घटनास्थल पर जाने के बाद मुख्यमंत्री पूरा जायजा लेंगे कि आखिरकार ये पूरी घटना कैसे हुई और इस घटना के अंदर में क्या क्या साक्ष्य मुख्यमंत्री के हाथ लग सकते हैं क्योंकि खुद ग्राउंड जीरो पर मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। देखिए घटनास्थल पर मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और सीधा मुख्यमंत्री संवाद कर रहे हैं अधिकारी के साथ, बातचीत भी करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे कि मुख्यमंत्री अधिकारियों से पूरी इस घटनास्थल की जानकारी लेते हुए आपको नजर आ रहे हैं क्योंकि साफ तौर पर मुख्यमंत्री के साथ में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो उनको बता भी रहे हैं और ये जो जहां पर पहले मुख्यमंत्री पहुंचे जहां पर प्रवचन बाबा ने दिया था वहां पर पहुंचे और सीधा घटनास्थल का निरीक्षण कर रहे हैं मुख्यमंत्री साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ के साथ में चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी उत्तर प्रदेश प्रशांत जी वो बिल्कुल मौके पर मौजूद है, एसपी हैं, डीएसपी हैं और तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो अब उनसे बातचीत करें क्योंकि देखिए एसडीएम की जो रिपोर्ट आई है उसको लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंथन किया था और अभी समीक्षा बैठक में जिस तरह के मुख्यमंत्री को साफ तौर पर दिशा निर्देश कल दिए थे कि कोई भी हो दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, साफ तौर पर उन्होंने ये दिशा निर्देश दिए थे। वे कल इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि अगर कोई भी दोषी होगा चाहे उसके अंदर प्रशासनिक अधिकारी हो या बाबा हो या सेवक हो लगातार कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और देखिए मुख्यमंत्री सीधा आगे की तरफ बढ़ते हुए बारीक बारीक से निरीक्षण कर रहे हैं और देखिए योगी बाबा के नारे भी यहाँ पर लग रहे हैं कि योगी बाबा पहुंचे, योगी बाबा इंसाफ कराइएगा। और देखिए सीधा आप मुख्यमंत्री जो है निरीक्षण कर रहे हैं और साफ तौर पर क्योंकि अधिकारियों को दिशा निर्देश भी देते हुए नजर आ रहे हैं, देखना ही होगा कि मुख्यमंत्री क्या। वैस बारिश भी हो रही है, बारिश के बीच यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं, यानी कि संजीदगी वो यहाँ पर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट भी उन्होंने तलब की है, साफ तौर पर कहा है कि इसकी जो जांच रिपोर्ट है वो 24 घंटे के भीतर दी जाए।
बिल्कुल देखिए मुख्यमंत्री के साथ में जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। देखिए बारिश का मौसम है लेकिन फिर भी कितनी बड़ा ये हादसा है, इस हादसे से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये हादसा कितना गंभीर है। कि मुख्यमंत्री खुद ग्राउंड जीरो पर उतर आए हैं और हालांकि मुख्यमंत्री के साथ साथ में जो मुख्यमंत्री ने कल अपने 3 कैबिनेट मंत्री भेजे थे वो भी उनके साथ है और डीजीपी समेत तमाम पुलिस के आला अधिकारी उनके साथ पहुंचे हैं। और हाल की बात है कि मुख्यमंत्री जब खुद बाजीजी के ग्राउंड जीरो पर उतरे हुए हैं तो ये मामला कितना ज्यादा संजीदा है, घटना को लेकर के कितने संजीदा मुख्यमंत्री हैं और 121 लोगों की जो मौत है उसे होने के बाद जिस तरह सभी की आंखें नम हो गई है ये अपने आप में बड़े संकेत देती है। क्योंकि तो देखिए चाहे उसमें डीजी की बात की जाए, चाहे एडीजी की बात की जाए, चाहे आईजी की बात की जाए, क्योंकि इससे पहले भी अभी जब मुख्यमंत्री के यहाँ आने से पहले पहले आईजी शलभ माथुर जो अलीगढ़ के हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने भी तमाम निरीक्षण करने के बाद यहाँ से हाथरस का लिए उन्होंने मूव किया था और हाथरस में जाने के बाद भी उन्होंने यहाँ की घटनास्थल के बारे में पूरी जानकारी योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री है उनको दी होगी। और अब खुद ग्राउंड जीरो पर मुख्यमंत्री हाथरस से इस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर ये पूरी घटना हुई थी और जिसकी बाबा के ऊपर अभी तक FIR नहीं हुई है उसको लेकर भी तमाम जो सवाल है वो खड़े हुए नजर आ रहे हैं। और इस तरह SDM की रिपोर्ट सामने गई है और SDM की रिपोर्ट जाने के बाद क्या कुछ सामने आएगा ये देखने वाली बात होगी। और देखिए मुख्यमंत्री चारों तरफ से अपने अधिकारियों को भी दिशा निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ में जो पंडाल जहां पर लगाया गया था उसके बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। अभी जो प्रशासनिक अधिकारी है वो उनको बता रहे हैं कि पंडाल के अंदर में जो कैपेसिटी थी वो 80,000 आदमी की थी, ये वही पंडाल है जहां पर 80,000 के जो श्रद्धालु थे वो यहां पर पहुंचने थे। लेकिन साफ तौर पर बिल्कुल स्पष्ट हो सकता है कि अब आगे की जो तस्वीरें हैं वो सारी की सारी स्पष्ट हो जाएंगी और लगातार मुख्यमंत्री जिस तरह से ग्राउंड जीरो पर मौजूद है ये अपने आप में